कैसा रहेंगे वो लोग, अलग है इधर फैमिली, अच्छे छोटे छोटे आज राजेंद्र नगर असेंबली हलके के सुलेमान नगर डिवीजन में चिंतन मेट उर्दू मीडियम स्कूल और सुलेमान नगर के एरिया में दौरा किया गया, जो कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और बल्दिया के ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स मिलकर यहां पर दौरा किए, क्योंकि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी के ऊपर, जो कि उर्दू मीडियम स्कूल के पास SW ड्रेन लाइन जो कि 600 mm डाया का काम चल रहा है, और कल कुछ लोग इसको मीडिया में लाकर, जो कि ख़ास तौर पर जो मजलिस के मुखालिफ है अब्दुल सुबानी बोल के, सुबान रिपोर्टर बोल के, उन्हों चंद लोगों को यहां पर आकर बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बोलने लगाए, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रखकर काम करती है, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है पाइप ड्रेन लाइन का, थोड़ी दुश्वारी हो रही है, मगर ये जो अब्दुल सुबानी है हमेशा मजलिस के ख़िलाफ़, हमेशा मजलिस के ख़िलाफ़ चैनलों पर डालना और मजलिस क्या करी बोल के डालना, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं, और इनका रिकॉर्ड खुद देखिए, इन्हों खुद मीडिया के नहीं है, और झूठा चोला पहन लेके मैं मीडिया का हूँ बोल के लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, लोगों से पैसे लेना, और इनके ऊपर माजी में भी कई केसा बुक हुए और जेल को भी जाकर आए इन्हों, तो मैं इनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं, और कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ
कि यहाँ पर काम चल रहा है और कंसर्न ऑफिसर्स भी हमारे साथ है और कारपेंटर साहब खुद यहाँ पर रोज़ इस काम का मायना कर रहे हैं। थोड़ा जो पाइपलाइन डालने की वजह से रोड कटिंग हुई है, उसके ऊपर सीसी रोड भी है, मगर अभी काम चल रहा उसके ऊपर से सीसी रोड डाल दो बोल के बोल रहे। टेक्निकली हिसाब से भी वैसा नहीं होता, दो चार दिन उसको सट करने, मट्टी सट होने लगते, उसके बाद बराबर सीसी रोड डाली जाएगी। और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आप देखिए आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर बिला मजहब मिल्लत करोड़ों रुपए के बल्दी बरखी आबरसानी के काम चल रहे हैं। हम भी वक्तन फ़ुक्तन आपको यहाँ पर हमारे फेसबुक व्हाट्सअप और चैनल के ज़रिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है, ये सुलेमान नगर एरिया पूरे चट्टाना और पहाड़ा है, उसमें से चट्टानों को और पहाड़ों को काट कर सीवरेज लाइन डालना और वाटर लाइन डालना, फिर उसको पूरा लेवलिंग करके रॉक कटिंग करके सीसी रोड डालना, ये कोई बड़े ये हिम्मत की बात है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम कर रहे हैं, और ये झूठे बातें करके झूठे चैनल के ज़रिए ये अब्दुल सुबानी जो लोगों को ब्लैकमेल करके कर रहे हैं, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़े हैं, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको भी नहीं छोड़ेंगी। मैं राजनगर असम्बली हल्के के एक इंचार्ज की हैसियत से बता रहा हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आवाम के दरमियान में है, हमारे कारपेंटर साहब और ख़ास तौर पर हमारे एरिए के सदर मोतमदीन हर गली गली में आवाम को सहूलत पहुँचा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अब्दुल सुबानी ब्लैक मेलर ऐसी हरकत कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस को मत छेड़ो आप, और मजलिस को छेड़ेंगे तो मजलिस भी आपको नहीं छेड़ेंगे। और मैं फिर एक दो दिन के बाद यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि हमारे प्रशांत साहब असिस्टेंट इंजीनियर साहब साथ है, ये रोड का काम भी इंशाल्लाह ताला आज रात में नहीं तो कल रात में रोड का काम भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है। काम चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लाइन डाल रहे हैं, जब का जब भी डाल के अलाउद्दीन के चिराग के वैसा जब का जब भी पूरा कर देना बोले तो नहीं होता। टेक्निकली हिसाब से जब लाइन डाली जाती है उसके एक चार आठ दिन पंद्रह दिन के बाद उसके ऊपर सीसी रोड डाली जाती है, टेक्निकली जो इंजीनियरों के हिसाब से। तो मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आज ये दौरा भी किया, और इसकी तफसीली रिपोर्ट सदर मोहतरम को दी जाएगी।